मैं तो वचन तुम्हें भेज चुका हूं, वचन को मैं खाली नहीं करूंगा। या मैं भेद तुम्हें बताऊंगा जरूर, राजसूरी तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या? तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, इसके बाद मेरे भाई मरेगा। चाहे राजसूरी मुझे पत्थर फोड़ना पड़े, लोहा से टकराना पड़े, आग में कूदना पड़े, लेकिन जासर का मौत होना चाहिए। एक बार सुन लो, जैसे मैं अपने भाई का मौत को पढ़ने बताऊंगा, तो भाई जासर सिंह का मरने से पहले या तुम अपने पिताजी का सारा रचना पड़े। इतने मूल छोट बात में मत जाइए। मैं सच बता रहा हूँ बेटा, कोई अब वो परमात्मा पुरुष नहीं है जो आप अपने आप को मौत और जीवित हो सकते हैं। जरूर इस संसार में कहावत है और बनावट है, भक्ति बस में है भगवान, तो जिसका आत्मा में परमात्मा है उसका मरने के लिए कोई ठिकाना नहीं। याद, यदि भगवान का यदि इर्दफ हो, मिनट का काम सेकंड में भगवान करते हैं। कोई भगवान निहार नहीं आ सकता है, केवल झगड़ू सिंह आएगा पिता। आप बोलिए क्या करना पड़ेगा हमें? करना तुम्हें राज स्वर्ण में यह करना पड़ेगा, राज स्वर्ण में सत्यनारायण भगवान का तुमने पूजा देखो, उसमें कोरा धोती पहनकर हाथ में कलशा लेकर जाकर मेरे भाई दासर सिंह का बंगले पर एक कान पर खड़े होकर तुम्हें कल जोड़कर कहना पड़ेगा कि चाचा श्री, आपका दावत हुआ है मेरे अंदराज में, और इसके बाद उस दावत मेरे भाई दासर सकार लिया, उस दावत में आ जाएंगे तुम लोग तीन छोटे गान बारे, एक मेरा त्रिवेणी से, एक मेरा काबुल से, एक तेगा बनारस से। कान खोल कर सुन लो, और एक तेगा लेकर तुम अपने या सत्यनारायण भगवान का व्रत में रखना। उस जगह पूरे प्रसाद पूजा समाप्त होने के बाद मेरे भाई दासर सिंह का बोलना कि चाचा, आप राजस्वरी में बहुत महान है, बहुत बलवान है, तो मैं नाम सुनता हूं कि आप दांते से तेगा जानते हैं, तो आप दांते से तेगा जांच दीजिए, मैं तीन छोटे का लेकर आया। जबकि एक लगाएगा जो नकली छाएगा उसको छाटते चले जाएगा, जबकि दो छाटेगा तीसरा पर लगाएगा, जैसे सर छुटाएगा वैसे खंजर मारती है। Thank you.
ये तो मर गया। मर गया? क्या नहीं हुआ? कैसे मर गया? हम लोग हंसी उड़ा रहे थे। पिताश्री, पिताश्री सही मर गया। नहीं देखते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अपने मौत से निकल गए। सही ने बोला था कि जब जासर के मौत होगा उनसे पहले मैं मर जाऊंगा। पिताश्री, हेमा भवानी उठा। लेकिन गागा सेन ये काम करो, ये लाश अभी नहीं चलेगा। जब तक हम जासर सेन का नहीं मारेंगे, जब तक मैं अपने पिता को लाश नहीं जलाऊंगा।